हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। चलिए आज हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में क्या हम अर्थिंग को एज ए न्यूट्रल यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू पॉइंट से ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानना, क्या हम अर्थिंग को एज ए न्यूट्रल यूज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों हमने अर्थिंग का इस्तेमाल किया और ये इक्विपमेंट ऑन हो गया और हमने न्यूट्रल अलग जगह रखा। तो दोस्तों आइए हम चेक करते हैं अर्थिंग और न्यूट्रल क्या दोनों में डिफरेंस है। दोस्तों दोनों जीरो पोटेंशियल पे ही है। हमारा जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है दोनों का। दोस्तों हम अर्थिंग का उपयोग इंडस्ट्री में करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अगर हम इंडस्ट्री में अर्थिंग का उपयोग अगर हम ऐसे न्यूट्रल करते हैं तो दोस्तों इससे बहुत बड़ा खतरा होगा। दोस्तों खतरा कैसे होगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। यहाँ तो दोस्तों हमने अर्थिंग का उपयोग न्यूट्रल एज ए न्यूट्रल किया। अगर मान लीजिए कि हमारा जो अर्थिंग है वो इंडस्ट्री के सारे इक्विपमेंट में ये वायर गया है, ठीक है दोस्तों, और ये वायर एक अर्थिंग पीट पे गया है। ओके, अर्थिंग पीट पे गया है तो समझिए अर्थिंग चेम्बर से हमारा जो अर्थिंग पीट है वहाँ से हमारा अर्थिंग ब्रेक हो जाता है। जब अर्थिंग ब्रेक होगा तो हमारा न्यूट्रल एज ए जो अर्थिंग हम एज ए न्यूट्रल यूज कर रहे हैं वो तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड से अर्थिंग हमारा ब्रेक हो गया। तो समझिए दोस्तों वहाँ अगर हमारा जो अर्थिंग है वो ब्रेक हो जाता है अर्थिंग पॉइंट से, वहाँ से हमारा ग्राउंड तो नहीं होगा सप्लाई, तो हमारा जो फेज का रिटर्न जो न्यूट्रल से ग्राउंड हो रहा है वो तो फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने इक्विपमेंट है दोस्तों देखिए, मान लेते हैं ये अर्थिंग ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होगा तो कुछ ऐसा हाल होगा, इक्विपमेंट बंद हो जाएगा पर यहाँ पे पावर रहेगा। तो समझिए दोस्तों ये जितने इक्विपमेंट में हमारा कनेक्शन रहेगा अर्थिंग रहेगा सारे में फेज चला जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए अर्थिंग का यूज एज ए न्यूट्रल नहीं कर सकते इंडस्ट्री में एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे हम न्यूट्रल को ही यूज में लेंगे। और एक दोस्तों हम अपने घरों में फेज हम अपने जो 440 वोल्ट हमारे जो ट्रांसफार्मर के जाते हैं वहाँ से एक वायर ले लेते हैं और हम एक कल के पास या चंपे कल कहीं भी जहाँ पे हमारे ज़मीन में नमी हो वहाँ पे एक कॉपर का रड बोर कर देते हैं और वहाँ से हम एक वायर लेके उसको न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों वहाँ से हम न्यूट्रल में कन्वर्ट करके हम तो लोड तो चला लेते हैं पर हमारा एक इफेक्ट होता है, जो दोस्तों हमारा न्यूट्रल से जो रिटर्न सप्लाई ग्राउंड को जाता है वो ग्राउंड में चला जाता है पर वो हमारा मीटर से घूम के नहीं जाता है। तो इसलिए मीटर हमारा पूरे एक्यूरेट जो बिल बनता है हमारे हाउस का वो एक्यूरेट बिल नहीं बनता है और उसमें हमको बिल बहुत कम आता है। और दोस्तों सेफ्टी पॉइंट व्यू से हम देखें तो जब भी हमारा अगर अर्थिंग एज ए न्यूट्रल यूज हुआ है तो जब भी हमारे कहीं भी अगर एसी में अर्थिंग दिया हुआ है या कहीं भी वॉशिंग मशीन में अर्थिंग दिया हुआ है, अगर वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों, तो ये अगर मानते हैं शॉर्ट सर्किट होगा, कोई इक्विपमेंट यहाँ से आगे लगा है वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहाँ से करेंट हैवी करेंट फ्लो होगा, वो करेंट इधर से भी जाएगा। समझिए दोस्तों इधर से भी पावर, इधर से भी फेज, इधर से भी फेज, तो क्या होगा, इस इक्विपमेंट जो रनिंग इक्विपमेंट है इसको नुकसान होगा, ठीक है। इसलिए हम कभी भी अर्थिंग एज ए न्यूट्रल यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कभी भी एक न्यूट्रल वायर का ही उपयोग करते हैं और न्यूट्रल को ही यूज में लेते हैं।